बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। सिवान की पॉलिटिक्स में दिन पर दिन अलग अलग तरह की अलगाव दिखी जा रही है। अब सिवान की राजनीति हम वाली बन चुकी है। एक समय था कि हर दल के नेता अपने अपने नेताओं को कोई भी निजी कार्यक्रम होती थी तो एकत्रित होकर शामिल हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, खास करके सिवान राजद में। यही कारण है कि पिछले कई महीनों से अनगिनत प्रोग्राम कराए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष व सिवान के गांधी कहे जाने वाले सदर के विधायक और बिहारी चौधरी जी, लेकिन इनके प्रोग्राम में सिवान की पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी को शामिल न होना या यूं कहे तो आमंत्रण न देना बहुत कुछ दर्शा रहा है। आइए हम बताएंगे आखिर ये बातें आज क्यों कह रहे हैं आप लोगों से। दरअसल सिवान सदर के विधायक और बिहारी चौधरी जी की यहाँ 9 फरवरी को उनके निजी आवास लखराव सिवान में सुपौत्री डॉक्टर नेहा की शादी थी। इस शादी समारोह में पटना से लेकर सिवान से सटे कई जिले के विधायक व मंत्री आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए थे। साथ ही सिवान जिले के राजद विधायक और गठबंधन के नेतागण भी पहुंचे थे, लेकिन इस शादी समारोह में एक व्यक्ति नजर नहीं आया, जिसे लेकर एक बार फिर और बिहारी चौधरी व सिवान के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब की दूरियां दिखी। इस तरह की दूरियां बढ़ते देखकर सवाल खड़ा ये होता है, आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन नेत्री व नेता में दूरी पैदा कर दी है। एक समय था कि कदम से कदम मिलाकर चलने वाले दो नेता नेत्री एक ही पार्टी से संबंध रखने वाले आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं ये दूरी राज्यसभा के चुनाव के बाद से हुई है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिस्ट यही और बिहारी चौधरी जी राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते बंद फाइलें दिल्ली लालू प्रसाद यादव के पास लेकर पहुंचे हुए थे, जिस फाइल में उम्मीद जताया जा रहा था कि हिना साहब का नाम होगा, लेकिन बाद में मालूम चला कि इस फाइल में फैयाज अहमद का नाम है। उसके बाद से ही हिना साहब पार्टी से खापा हो गई और आक्रोश में आकर खुद को न्यूट्रल कह दी। वहीं पटना में जब पत्रकार साथी को जवाब देते हुए कहे थे और बिहारी चौधरी जी की वो भी सिवान की है और हम भी सिवान के हैं, उसके बाद से ही इन दोनों लोगों की दूरियां बढ़ने लगी और एक साथ कोई भी सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखे। यही कारण है कि कई सारे प्रोग्राम किए और बिहारी चौधरी, लेकिन इनके निजी प्रोग्राम में हिना साहब नहीं दिखती। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या हिना साहब को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है या भेजा जाता है लेकिन वो आती नहीं है। ये लोग तो यही बताएंगे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। इन दोनों नेताओं से दूरी की सवाल जरूर हम पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अगर हमारे इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लवा नियर करबल्ला बाजार बरेड़िया सिवान।